तो हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजू कुशाई ब्लॉग में। आशा करता हूँ आज सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने मेरी पहाड़ी मुर्गी वाली वीडियो पे 18,000 व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, और आपसे ये उम्मीद भी है कि आप मेरे और वीडियो पे भी अच्छे से व्यूज़ लाएंगे और अच्छे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे अभी आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, जो कि मैं आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही आगे बढ़ सकता हूँ यूट्यूब पे। तो कई लोगों ने मुझे पहाड़ी मुर्गियों वाली वीडियो पे कमेंट किया था कि आप अपनी मुर्गी फार्म दिखाएं और आपके इस पर कितना खर्चा आया और आपने इस पर क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो आज मैं आपको पहाड़ी मुर्गी फार्म दिखाने वाला हूँ जो कि हमने बना रखा है, और आपको दिखाएंगे इसके लिए हम मटेरियल कहाँ से लेके आए और क्या क्या लगा उस पर। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहे। तो दोस्तों, हम चलते हैं मुर्गी फार्म की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमने इस पर क्या क्या मटेरियल यूज़ किया और मटेरियल कहाँ से मंगवाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मुर्गी फार्म देख सकते हैं, और इस मुर्गी फार्म की लंबाई है, जो ये लंबाई दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई है 40 फीट और चौड़ाई है 9 फीट, जो पर की तरफ चौड़ाई है। और जो इस पर यूज कर रखा हमने, ये ब्लॉक लेके आए हैं और ये हमें रामनगर से मंगवाए थे हमने, जो कि हमने 600 ब्लॉक मंगवाए थे और हमें यहाँ तक मिले थे किराया लगाए लोगों के, मतलब 60,000 के करीब पहुँच चुके थे। और जो आपको ये ऊपर पठारी दिखाई दे रहे, ये पठारी पर हमने रामनगर से मंगवाए थे, जो ऊपर छवाई कर रखे हुए, तो ये भी 60,000 के करीब पहुँच चुके थे। और रामनगर हमारे यहाँ से है 120 किलोमीटर, तो हमारे यहाँ जो भी घर बनते हैं, कुछ भी बनता है, तो मटेरियल रामनगर से आता है। और यहाँ पे खिड़कियाँ और क्या कहते थे दरवाजे, ये बने थे हमारे 15,000 में, जो हमने इस पर सीमेंट सरिया और बिजली का यूज किया था फाउंडेशन डालने के लिए, इसका खर्चा आया कुल मिला के 15,000 रुपये। और आपको फाउंडेशन दिखाई दे रहा होगा, और फाउंडेशन हमने जो यहाँ के पत्थर होते पहाड़ पे, इन्हीं पत्थरों से बनाया हुआ फाउंडेशन, और क्योंकि पत्थरों का फाउंडेशन बहुत पक्का होता है, क्योंकि पहाड़ में जो भी घर भी बनते हैं इनके फाउंडेशन पत्थर से बनता है नीचे से, क्योंकि नींव मजबूत होनी चाहिए, और ऊपर चाहे तुम ब्लॉक से बनाओ या ईंटे से बनाओ। तो दोस्तों, जो आपको ये जाली दिखाई दे रही है, तो ये जाली हमने मुर्गियों के लिए लगा रखे है, और ये जाली यहाँ से रास्ता बना रखा हमने, और मुर्गियों के लिए ऊपर खेत में बना रखा हमने जगह, जो कि आपने इस वीडियो में देखा होगा मेरी पहाड़ी मुर्गी वाले में, और ऊपर पूरी जाली लगा रखी हमने। अभी आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली पहले ऊपर लगाते हैं हम इस पर, और जब मुर्गियों को खोलते हैं तो ये बाहर नहीं आ पाती यहाँ से, और सीधे ऊपर खेत में चली जाती है। तो आपको ये खेत दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जाली लगा रही है मैंने नीचे की साइड से, ताकि मुर्गी इससे बाहर ना जा सके, और यहाँ खेतों में ये चढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे बाहर से तो देख लिया मुर्गी फार्म, और अब अंदर से दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे गांव के ताई जी भी आ रखे हैं, जो कि मेरी मुर्गियों को देख रहे हैं अंदर, और ये यहाँ मुर्गी देखने के लिए आ रखे हैं हमारे यहाँ। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप अपना पता बताए कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो। तो मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने हूँ, और थैलीसैंण ब्लॉक में रहता हूँ मैं, और थैलीसैंण ब्लॉक के चौथान क्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं। तो अब मैं आपको अपने मुर्गी फार्म के अंदर लेके चलता हूँ कि हमने मुर्गी फार्म अंदर से कैसे बना रखा है। तो इस वाले कमरे में चलता हूँ जो खाली वर्क है। पहले तो दोनों कमरे में मुर्गे थे, तो एक कमरे के मुर्गे हमने निकाल दिए, क्योंकि आजकल काफ़ी मुर्गे चले गए शादी ब्याह में। तो दोस्तों, हम कमरे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुर्गे का कमरा हमने किस तरह से बना रखे हैं। और हम पहुंच गए कमरे में, और जो आपको ये नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमने रामनगर से मंगवा रखे हैं, और ये पत्थर है तो हमने ऊपर छत में यूज किए हैं छवाई के लिए। तो आपको दिखाते हैं, और जो आपको यहाँ पे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम जंगल से लेके आए और इनको मुर्गियों के नीचे बिछाते हैं हम। तो अभी आपको दिखाते हैं दूसरे वाले कमरे में कि हमने मुर्गियों के नीचे किस तरह से बिछा रखा है, और ये ठंडियों में बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि मुर्गियों के लिए गर्माहट बनी रहती है इससे। और आप यहाँ देख सकते हैं जो ये बोरिया दिखाई दे रही है आपको, इनमें हमने दाना रखा हुआ है, और ये बोरिया चावल के हैं, जो कि हम चावल इन्हें सुबह के टाइम पका के देते हैं,
और गर्मा गर्म चावल खाते हैं, फिर उसके बाद अंडे फटाफट देते हैं मुर्गियाँ। और ये वाले दाना हम रामनगर से लेके आए और इसे हम रात के समय देते हैं, इससे मुर्गियों का वजन और इससे प्रोटीन ये सब कुछ मिल जाता है मुर्गियों को। इन दीवारों पे हमने जो चिकनी मिट्टी और गोबर होता है इसकी लिपाई हुई है और इससे भी गर्माहट बनी रहती है कमरों में, क्योंकि ये मुर्गा फार्म है पहाड़ में और यहाँ तो बर्फ़ भी गिरते हैं। आज का लगा मौसम थोड़ा सा भी खराब हुआ तो यहाँ सीधे बर्फ़ भी गिर जाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ गोबर और चिकनी मिट्टी की लिपाई की हुई दीवार पे ताकि गर्माहट बनी रहे। और आप ऊपर देखते हैं तो आप ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं कि आप हो जाए मकड़ी की जाली लगी हुई। और देखिए ये जो ये वाली लकड़ी है ये है चीड़ के पेड़ होते हैं, तो ये है। और जो आपको ये दिखाई दे रहे बारी बारी ये बांस के हैं। मुर्गी वाली रूम पे लेके चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको। तो हम आप चलते हैं मुर्गी वाली रूम पे और दरवाजे खोलते हैं। दरवाजे भी टाइट हो रखा है तो दरवाजा खुल चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। और लगभग इस कमरे में है 150 मुर्गियाँ हैं। और जो आपके डब्बे दिखाई दे रहे इनमें पानी भर कर उनके लिए, और जो ये वाले डब्बे इनमें दाने देते हैं खाने के लिए। और जो आपको मैंने दूसरे वाले कमरे में पत्तियाँ दिखाई थी, देखिए ये यहाँ इनके नीचे बिछा रखे है और ताकि उनको ठंड ना लगे रात में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मुर्गा फार्म कब खोला था, तो ये मुर्गा फार्म खोले हुए हमें भी एक साल हुआ है, दिसंबर 2 तारीख से पूरे मतलब एक साल पूरा हो जाएगा उसे। और ये मुर्गा फार्म हमने लॉकडाउन में खोला था सन 2021 में, और इसका काम किया था मैंने जुलाई में किया था इसका स्टार्ट, जो कि हम 5 महीने में पूरे बन के तैयार हो चुका था। तो ये मुर्गे हमें बहुत सस्ते मिल गए थे, क्योंकि जब उत्तराखंड में वक्त चुनाव के टाइम था तो वक्त तो ये हमें सस्ते मिल गए थे, 1800 रुपये जमा किए और 90 चूचे मिले थे हमें। तो हम उन्हें 5-6 लोगों के नाम से लेके आए थे, मतलब यूनिट से लेके आए थे। और तो हम यहाँ के पास आके थे 650 मुर्गे, और हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी पहले, तो हमारे बहुत से चूचे मर चुके थे ठंड के कारण। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारे मुर्गियों ने मतलब जो 8 महीने पूरे हुए थे, 9 महीने में अंडे देने उन्होंने स्टार्ट किए, और अभी भी कई मुर्गे अंडे नहीं दे रहे और कई दे रहे, मतलब रोज के 50-60 अंडे निकल जा रहे हमारे, जो कि हम एक अंडा 12 रुपये के देते हैं यहाँ, और वैसे तो 15 रुपये के बेचते हैं पर हम 12 रुपये के देते हैं, क्योंकि हमारे पास अंडों की मात्रा काफ़ी हो जाती है और मतलब लोग यहाँ खरीदते भी कम है, क्योंकि यहाँ लोग पैसे नहीं लगाते जाते, तो हम 12 रुपये के देते हैं। और अगर कोई मुर्गा लेके जाता है तो हम उसे 500 रुपये के जी देते हैं जिंदा मुर्गा तोल के। और मुर्गा तो हम अभी बेचते नहीं क्योंकि अंडे देते हैं, और मुर्गे बहुत सारे होते हैं तो मुर्गे को हम सेल करते हैं अगर कोई खाने के लिए लेके जाते हैं। और पहाड़ में छल हो गए और कूजे पहाड़ में जाते हैं मुर्गा। तो दोस्तों अभी अंडे चेक करते हैं कि उन्होंने कितने अंडे दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए पेटिया रखे हुए अंडे देने के लिए, तो अंडे चेक करते हैं क्योंकि अंडे देखने मैंने अभी, और ये सुबह से रात अंडे देते रहते हैं। तो अभी देखते हैं हम यहाँ, और सबसे पहले इस क्रेट में देखते हैं कि इसमें कितने अंडे दे रखे उन्होंने। हटो हटो हटो, और इसमें 3 अंडे दिखाई दे रहे हैं। और इस हाल में देखते हैं इस हाल में कितने दे रखे हैं, और इसमें 2 मुर्गियाँ बैठी हुई है, तभी देखते हैं कितने अंडे दे रखे उन्होंने इसमें। हटो दो, और इस मुर्गी को देखते हैं ये अंडा दे रही है शायद यहाँ पे, और 2 अंडे इसमें दे रखे है, बैठ जा। और 3 अंडे इस वाले में दे रखे, और 4 अंडे इस वाले में दे रखे, तो अभी पता करते हैं कितने दे रखे। 4 और 3 7 8 9 10 11 12 12 अंडे दे रखे उन्होंने अभी, और फिर शाम को देखेंगे कि कितने अंडे देते और। तो दोस्तों मैं अंडे लेके बाहर आ चुका हूँ और उन्हें अभी क्रेट में रखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे मुर्गा फार्म बनने में कुल खर्चा हुआ था 3.5 लाख, और इतना ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने पूरा मटेरियल रामनगर से मंगवाया था, और तो किराया भाड़ा लगा के 3.5 लाख हो गया, और इस पर लेबर चार्ज और जो ये सड़क से ऊपर सरवाई थे हमने इसकी दिहाड़े अलग दी थी, तो 3.5 लाख तक आ गया था उसका खर्चा। फिर उनके लिए बर्तन, पानी के बर्तन, खाने के बर्तन सब लेके आए थे। तो मुझे तो मोटी मोटी जानकारी पता है, और ये मेरे पापा ने बनवाया था, तो मेरे पापा को पूरी जानकारी पता होगी कि कितना खर्चा हुआ था। और मोटा मोटा 3.5 लाख हुआ था क्योंकि मेरे पापा ने बताते मुझे। तो दोस्तों आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।